हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। अगर आप सफलता की उच्च श्रेणी में पाना चाहते हैं तो आपको लगातार निरंतर मेहनत करते रहना पड़ेगा। लगातार प्रयास करने से ही आप शून्य से शिखर तक पहुंच सकते हैं। और आज जो हम लोग ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बोर्ड लेवल से कुछ हट करके, ये जो टॉपिक है ना वो कॉम्पिटिशन लेवल में हमेशा पूछा जाता है और इससे रिलेटेड नंबर ऑफ चैप्टर्स है। जब जब आपको न्यूमेरिकल्स बनाना होगा कंसेंट्रेशन और सोल्यूशन से लेकर के, तब तब आपको इस टॉपिक का जरूरत पड़ेगा। चाहे वो जी मेंस के एग्जाम का हो, चाहे वो एडवांस हो, चाहे वो मेंस हो, चाहे वो नीट हो, चाहे मेडिकल हो, एनी ऑफ द एग्जामिनेशन, इफ यू वांटेड देन यू कैन बी रिक्वायर्ड द टॉपिक, जिसका नाम है नॉर्मैलिटी। अब ये जो नॉर्मैलिटी है ये हम लोग को जरूरत क्यों है? बोला प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट हुआ कि नॉर्मैलिटी का हमको नया जरूरत पड़ेगा? बोले जैसे सपोज एक एग्जाम्पल देकर के समझाते हैं। मान लेते हैं एक बच्चा ए है, जिसको हम एक नोट देते हैं 10 रुपीस का, और एक बच्चा बी है जिसको हम एक नोट दे रहे हैं, एक ही पीस दे रहे हैं, ये भी 20 रुपीस। दोनों के पास नंबर ऑफ नोट कितना हो गया? 1। लेकिन अगर वैल्यू का बात करें तो इसका जो वैल्यू है ये कम है और इसका जो वैल्यू है वो ज्यादा है। यानी बी के पास ना ए से दुगना वैल्यूएबल सब्सटेंस है। वैसे जब हम मोलैरिटी का बात करते हैं तो 1 MHCl और 1 H2SO4, हम दोनों 1 में ये कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग है। लेकिन जो H2SO4 का स्ट्रेंथ होगा, पावर होगा, वो HCl से दुगना होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे हम इसको पानी में डालेंगे या डाइल्यूट करेंगे या व्हेनेवर इट इन एक्वस सॉल्यूशन, जैसे पानी में डालेंगे सिर्फ 1H+। लेकिन जैसे हम इसको पानी में डालेंगे इट विल प्रोवाइड 2H+ या 2H+। मतलब ये जब भी सॉल्यूशन में जाएगा इट कैन गिव ओनली द 1H+ और ये न्यूट्रलाइज करेगा 1OH-। लेकिन जब इसी का 1M को हम लोग पानी में डालेंगे तो इट विल न्यूट्रलाइज द 2OH-, क्योंकि ये 2H+ प्रोवाइड करता है। मतलब 1MHCl से 1MH2SO4 का जो स्ट्रेंथ होगा वो दुगना पावरफुल है। तब साइंटिस्ट बोला कि कैसे प्रॉब्लम, तब देयर इज समथिंग रॉन्ग। कि अगर हम स्ट्रेंथ या पावर चेक करें तो दोनों 1M है, कंसंट्रेशन तो सेम है लेकिन दोनों का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है। इसका 1MH+ है और इसका 2H+। तब एक नया टॉपिक का जरूरत पड़ा जिसका नाम पड़ गया क्या? नॉर्मैलिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं नॉर्मलता। ये है क्या? देखिए ये कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है लेकिन बस टॉपिक है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। जैसे नॉर्मैलिटी क्या है, तो इट इज द टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अब ये हम लोग के पास नया चीज आ गया, क्या? इक्विवेलेंट। तो इट इज द टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट That present in per liter ले सकते हैं या DMQ of solutions। बोला what is normality? It is the total number of gram equivalent mass of solute that present in per liter volume of solution या per liter of solution। इसी topic को हम लोग कहते हैं क्या? normality। यानी normality क्या है? तो एक मोल एक लीटर वॉल्यूम में जितना ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट का होगा उसी को हम लोग कह सकते हैं क्या? नॉर्मैलिटी। जिसको कैसे निकालते हैं, तो ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालना है, तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, यहां एक नया टॉपिक आएगा, इक्विवेलेंट मास। इट इज इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, और यह भी वॉल्यूम से रिलेटेड, इसलिए वॉल्यूम रखना, वो भी वॉल्यूम है तो किसमें लेना पड़ेगा? लीटर में। किसमें? लीटर में। यानी गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट दैट प्रेजेंट इन द पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। फिर अगर ये मिली लीटर में आ गया तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम। क्या बताया? देखिए अगर ये मिली लीटर है तो इसको हम हर हालत में लीटर लाना है, यानी लीटर लाने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे जो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यही है नॉर्मैलिटी की। व्हाट इज नॉर्मैलिटी? इट इज द टोटल नंबर।
number of gram equivalent mass of solute that present in per liter of solution. यानी अगर हम लोग mathematical या numerical term में जाएं, तो given mass of solute divided by equivalent mass of solute into volume, जो किस term में लेना है, तो liter के term में लेना है. उसी चीज को हम लिख सकते हैं, given mass of solute into divided by equivalent mass of solute, वॉल्यूम यहां पे किस में लेना है, मिली लीटर. अगर मिली लीटर दिया है तो ऊपर हमको पुट करना पड़ेगा थाउजेंड. और अगर न्यूमेरिकल में वॉल्यूम नहीं दिया हो तो फिर हमको उसी टॉपिक से पहले बनाना पड़ेगा क्या, मास अपॉन डेंसिटी. वॉल्यूम इज इक्वल टू व्हाट, मास अपॉन डेंसिटी. तब हम लोग ने इसका यूनिट जानते हैं कि व्हाट इज यूनिट ऑफ नॉर्मैलिटी. अब नॉर्मैलिटी का यूनिट निकालना है तो फिर याद देखना है ऊपर क्या है ग्राम इक्विवेलेंट, नीचे क्या है लीटर, यानी यूनिट क्या हो गया ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर. और इसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से. और अगर कैपिटल एन दैट इज रिप्रेजेंटिंग द नॉर्मैलिटी, फिर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. अगर हम टेम्परेचर का इफेक्ट का बात करें, देखो ये भी ना वॉल्यूम से रिलेटेड है. और अगर ये वॉल्यूम से रिलेटेड है तो हम क्या बता रहे कि जस्ट लाइक मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. यानी अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो नॉर्मैलिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा. अगर हम टेम्परेचर घटाएंगे तो नॉर्मैलिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा. ड्यू टू टेम्परेचर इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. और अगर वॉल्यूम यानी डिनोमिनेटर अगर इंक्रीज करेगा तो वैल्यू क्या होगा, छोटा होता है. इसलिए जस्ट ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट, मतलब टेम्परेचर और नॉर्मैलिटी में 36 का आंकड़ा, अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा. यही टर्म्स हम लोग को पढ़ना है. फिर इसके आगे हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट अपने यहां चीज क्या मिल गया, इक्विवेलेंट मास. अब इक्विवेलेंट मास के बारे में, तो इक्विवेलेंट मास का हम लोग के लिए एक नया टॉपिक है जिसका मतलब होता है समतुल्य भार. हिंदी में बोलते हैं उसको समतुल्य भार. का मतलब है जब किसी सब्सटेंस का हम लोग तुलना करते हैं, किस चीज से तुलना करके निकालते हैं. जैसे बहुत बार ना हम लोग एक्टिविटीज देखते हैं, किसी चीज का हवा में भार अलग होता है, उसी चीज को जब सोल्यूशन में डालते हैं तो मास क्या होता है, डिफरेंट हो जाता है. जैसे आयरन रॉड जब आप हवा में रखते हैं तो क्या होता है, भारी लगता है, लेकिन वही जब पानी में डुबाते हैं तो कम लगता है. देखा होगा कभी कुआं से अगर पानी भरते हो तो बाल्टी अगर डूबा हुआ है पूरा तब वो हम लोग को हल्का फील होता है, लेकिन जैसे ही उसको ऊपर लाते हैं हम लोग को भारी फील होता है. लेकिन कुछ ऐसा सब्सटेंस भी होता है जिसका एयर में, सोल्यूशन में या वाटर में सब सेम, जैसे प्लास्टिक, थर्माकोल, ये सब. वैसे यहां पर जब हम किसी चीज को डुबाते सोल्यूशन में तो देयर इज अ डिफरेंट. हम लोग कंपैरिजन करें तो उसी का साइंटिफिक डेफिनेशन एकदम सिंपल है कि अगर हम इक्विवेलेंट मास निकालना चाहते हैं तो हाउ कैन यू फाइंड द इक्विवेलेंट मास. बोला इट इज द टोटल मास ऑफ एन एलिमेंट दैट कंबाइंड विद द यूनिट पार्ट ऑफ हाइड्रोजन. मतलब जो ऐसा मास किसी भी सब्सटेंस का जो हाइड्रोजन के यूनिट पार्ट या यूनिट मास से वो कॉम्बिनेशन करता है, यूनिट पार्ट ऑफ हाइड्रोजन. मतलब इट इज द मास ऑफ एन एलिमेंट दैट कंबाइन विद द यूनिट पार्ट ऑफ हाइड्रोजन. मतलब सिर्फ एक हाइड्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन होना चाहिए, उस मास को हम लोग कहते हैं क्या, इक्विवेलेंट मास. जैसे देखो एग्जांपल H2O, हम लोग को पता है कि ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है, तो 16. लेकिन इक्विवेलेंट मास 16 नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि देखो ये जो 16 ग्राम ऑक्सीजन है वो कितने पार्ट हाइड्रोजन से कॉम्बिनेशन कर रहा है, टू. यानी टू पार्ट ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन कर रहा है 16 ग्राम ऑक्सीजन से. और हम लोग को निकालना कितने पार्ट में, वन पार्ट में. यानी वन पार्ट ऑफ हाइड्रोजन कितने से कॉम्बिनेशन करेगा, तो 16/2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. इसको कैंसिल करेंगे तो 8 ग्राम. इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट. मतलब जब भी हमको इक्विवेलेंट मास फाइंड आउट करना है उसको यूनिट पार्ट ऑफ हाइड्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा, यूनिट मास ऑफ क्लोरीन के साथ कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा, यूनिट मास ऑफ ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा. डिफाइन क्या है, व्हाट इज इक्विवेलेंट मास. बोला इट इज द टोटल मास ऑफ एन एलिमेंट, इट इज टोटल
मास ऑफ एलिमेंट दैट कंबाइन विथ यूनिट पार्ट का मतलब 1.008 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, सच मास इज कॉल्ड इक्विवेलेंट मास। इसी मास को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट मास। अब प्रॉब्लम ये कि हम लोग ना न्यूमेरिकल में इक्विवेलेंट मास को फाइंड आउट कैसे करेंगे, तब ना इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए फॉर्मूला याद रखना है। डेफिनेशन से हम लोगों को क्या दिक्कत है, ये क्या मतलब है, व्हाट इज फॉर्मूला, तो किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड का मोलर मास को डिवाइड करना होगा किससे, एन फैक्टर से। व्हाट इज एन फैक्टर, देखो जहां पे एन फैक्टर हम लोग किसको बोलते हैं, एक नया नाम दे दिए, किसी किसी में की फैक्टर बोलता है। एन फैक्टर का मतलब है नॉर्मैलिटी फैक्टर, और ये जो नॉर्मैलिटी फैक्टर होगा वो हर सब्सटेंस के लिए अलग अलग होगा। जैसे अगर सपोज करो कि एसिड है, तो एसिड का आइडेंटिटी क्या है, H प्लस, उसको बोलते हैं हम लोग साइंटिफिक भाषा में बेसिसिटी। बेसिसिटी का मतलब है नंबर ऑफ डोनेट H प्लस, कितना H प्लस को डोनेट कर सकते, यानी डिवाइड किससे करना पड़ेगा, इट इज द एन फैक्टर ऑफ एसिड, किससे, तो बेसिसिटी, यानी बेसिसिटी से डिवाइड करेंगे तब जाकर के निकलेगा इक्विवेलेंट मास। वैसे अगर ये बेस होगा तो बेस का एन फैक्टर है एसिडिटी। अब एसिडिटी का यहां मतलब ये नहीं कि ज्यादा खाली है तो एसिडिटी हो गया, उन्हें एसिडिटी का मतलब है कि नंबर ऑफ OH उस कंपाउंड्स के पास या बेस के पास कितना OH ग्रुप हो सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, बेसिस। मान लो कोई भी एलिमेंट हो तो एलिमेंट के लिए किससे डिवाइड करना है, वैलेंसी से। किससे, वैलेंसी से। जैसे अगर सोडियम का वैलेंसी 1 है तो 1 से डिवाइड करना है, मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 तो 2 से डिवाइड करना। यही चीज अगर हम लोग कोई आयंस ले लें तो आयन को किससे डिवाइड करना होगा, तो ब्रेक में बैठा देना है चार्ज से। किससे, चार्ज ना प्लस ले जाएगा माइनस, सिर्फ उसे क्वांटिटी ऑफ चार्ज, जिसको सिर्फ हम लोग उसका क्या बोलते हैं, क्वांटिटी लेना। जैसे अगर Fe 2 प्लस होगा तो Fe का मोलर मास को किससे डिवाइड करना है, 2 से। किससे, 2 से। अगर सपोज करो कि सल्फर पे 2 माइनस है तो सल्फर का मोलर मास को भी डिवाइड करना होगा किससे, 2 से। ये प्लस और माइनस नहीं लेना है, मतलब हम लोग को ये जो चार्ज प्लस और माइनस है वो नहीं लिखना है, सिर्फ इसका वैल्यू देखना है कितना है उनके पास, मैग्नीट्यूड हम लोग इसको बोलते हैं, दैट डिवाइडेड विद द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, तब जाकर के इसको बोलते हैं एन फैक्टर। और इक्विवेलेंट मास निकालना है तो मोलर मास को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, एन फैक्टर से। किससे, एन फैक्टर, तब हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्या इक्विवेलेंट मास। जैसे इसका एक हमें एग्जांपल देकर के देखा, देखो बेसिसिटी ऑफ एसिड जो हम बताया नंबर ऑफ डोनेट एच प्लस। अब बहुत कोई को ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि बेसिसिटी कैसे निकालना। अब जैसे हम HCl लेते हैं तो HCl कितना H+ को डोनेट कर सकता है, तो 1। अब ये बोलेंगे सर इसमें एक ही H+ इसलिए ही डोनेट करेगा, चलो भाई राइट। अब जैसे HNO3 ले तो दैट कंटेन ओनली 1 H+, इसका बेसिसिटी भी कितना है, 1। लेकिन ये नहीं कि 1 है तो 1 ही यहां पे ले सकते। अब जैसे एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है H3PO3 ले ले, तब में इसका बेसिसिटी जो होता है वो 3 है क्या। अब हम लोग यहां तो 3 लिखेंगे जो रॉन्ग हो जाएगा, इसका बेसिसिटी सिर्फ कितना आएगा, तो 2 आएगा। अब लोग कैसे, तब जो याद करना है कि फास्फोरस के टर्म में हम लोग पढ़े थे कि एक ऑक्सीजन के साथ वो डबल बॉन्ड, बाकी OH फिर H, तो बेसिसिटी का मतलब ये होता है नंबर ऑफ डोनेट H+ फ्रॉम द OH ग्रुप। OH ग्रुप इसमें कितना है जिसके पास OH होना चाहिए। अब जैसे HCl के पास तो OH ही नहीं है, पर ये डायरेक्ट तो डोनेट करता है, वैसे जिस सब्सटेंस में भी OH होगा वो जितना OH कंटेन करेगा उतना ही H+ को डोनेट कर सकता है। तो हाउ मेनी OH आर देयर, 2। इसका बेसिसिटी है तो 3 हाइड्रोजन, लेकिन बेसिसिटी कितना देना है, क्यों, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग स्ट्रक्चर में पढ़े थे कि H3PO4 के स्ट्रक्चर में 2 ही OH आता है, उसी 2 OH को हम लोग उसका बेसिसिटी। लेकिन अगर यही चीज होता है H3PO4 तब बेसिसिटी लेते 3, मतलब क्यों, क्योंकि जैसे हम लोग H3PO4 का स्ट्रक्चर बनाएंगे ये ऑक्सीजन 3 बार OH आएगा, देयर इज अ 3 OH ग्रुप सो इट कैन डोनेट द ऑल 3 H+,
ये तीनों का तीनों एच प्लस को डोनेट कर सकता है, लेकिन इसमें दो ही एच प्लस डोनेट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन क्या करता है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन चेन के हाइड्रोजन को बगा देता है एच प्लस। लेकिन ये फास्फोरस नहीं कर सकता ऐसा, क्योंकि इसके साथ एक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज्यादा डिफरेंस है। इसलिए याद रखना है कि जिस सब्सटेंस में OH ग्रुप होगा, जितना OH होगा उतना ही H+ को हम लोग डोनेट कर सकते हैं, वो रिप्रेजेंट करता है कौन, बेसिसिटी। कौन? बेसिसिटी। इसलिए H3PO3 का बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं। और हम लोग मिस्टेक क्या करते हैं कि तीन हाइड्रोजन है तो बस आग बंद करके थ्री पुट कर देते हैं, वो रॉन्ग। हाइड्रोजन तो थ्री है, पर इट कैन ओनली डोनेट द टू एच प्लस बिकॉज इट हैविंग द टू OH। इसी तरह ऑर्गेनिक में जैसे अगर हम लेते CH3COOH है तो चार चार हाइड्रोजन, लेकिन डोनेट कितना कर सकता है सिर्फ वन। इसमें इसका बेसिसिटी कितना होगा, वन। तो अगर HCl का बेसिसिटी पूछ रहा है तो कितना है, वन। HNO3 का बेसिसिटी फिर वन हाइड्रोजन तो वन। वैसे अगर हम लोग को H3PO3 का बेसिसिटी पूछा है तो ध्यान रखना है इसका स्ट्रक्चर पे इंडिकेट होता है दैट इज OH, दो, इसलिए दो। H3PO4 का पूछेगा तो 3। अगर ऑर्गेनिक का पूछ रहा है तो ये चेक करना है हाउ मेनी OH ग्रुप्स आर देयर, जितना OH उतना ही उसका बेसिसिटी। अब जैसे मान लो H2SO4 का पूछा, तो हम लोग सबको पता है कि H2SO4 में दोनों H+ डोनेट कर सकता है। अब कैसे, तो इसका भी स्ट्रक्चर हम लोग बॉन्डिंग में याद करते हैं, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालेंगे बस सब याद आ जाएगा। देयर इज अ 2OH ग्रुप प्रेजेंट इन देयर स्ट्रक्चर, और अगर दो OH ग्रुप है तो ये हमेशा दोनों H+ को इंडिकेट कर सकता है। वैसे यहाँ पे हाइड्रोजन तो तीन है पर लेकिन OH कितना फॉर्म कर रहा है, दो, दो। इसी तरह से हम लोग एसिडिटी निकालना सीख सकते हैं कि एसिडिटी ऑफ बेस एन फैक्टर के लिए, और एसिडिटी का मतलब क्या बताया, नंबर ऑफ OH ग्रुप, जितना OH ग्रुप होता है। और ये इजी है, जैसे NaOH इसके पास एक ही OH ग्रुप है, देन फैक्टर हो गया वन। जैसे अगर हम ले MgOH का होल टू, जिसके पास टू, जैसे CaOH का होल टू, इट कैन डोनेट टू OH, इसका मतलब है। तो बेसिसिटी अगर हमको निकालना है तो इसके लिए स्ट्रक्चर थोड़ा सा रिमेंबर रखना होगा कॉम्पिटिशन लेवल के लिए, और अगर एसिडिटी है तो फिर इजी टॉपिक है। ऐसे ही करके सबका एन फैक्टर निकाल सकते। अब हम निकालना सिखाएंगे इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं। एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल बता देंगे इक्विवेलेंट मास कैसे निकालें। सपोज अगर हमको H2SO4 का इक्विवेलेंट मास निकालना, चाहे वो एसिड हो, बेस हो, सॉल्ट हो, H2SO4 तो एसिड। तो एसिड के लिए हम क्या फॉर्मूला बताए थे कि अगर हमको डिवाइड करना होगा मोलर मास को तो एन फैक्टर से, और एन फैक्टर एसिड का क्या होता है, बेसिसिटी। यानी इक्विवेलेंट मास अगर हम निकालना चाहते हैं H2SO4 का, तो सबसे इंपॉर्टेंट है मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास को डिवाइड करना है एन फैक्टर, और ये जो एन फैक्टर है एसिड है तो इसके लिए बेसिसिटी। इससे डिवाइड करना है बेसिसिटी। अब बेसिसिटी क्या बताया, H2SO4 कितना H+ डोनेट कर सकता है। जैसे H2SO4 का मोलर मास निकालना हो, हाइड्रोजन कितने बार है, 2 यानी 1 into 2, सल्फर कितने बार है, 1 बार यानी 32, ऑक्सीजन कितने बार है, 4 बार यानी 16 into 4, सबको ऐड कर देंगे 98। और ये कितना H+ को डोनेट कर सकता है, तो हम क्या बताएं कि जितना इसके पास OH ग्रुप, इसके स्ट्रक्चर में भी हम थोड़ा देर पहले बताया कि इसमें दो, यहां पर 2 से डिवाइड कैंसल करेंगे आ जाएगा 49 ग्राम इक्विवेलेंट। यानी जब किसी का इक्विवेलेंट मास निकालना है तो पहले उसका मोलर मास फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर एन फैक्टर चेक करना है। अगर एसिड है तो बेसिसिटी होगा, अगर बेस होता है तो एसिडिटी से डिवाइड करते, अगर ये सॉल्ट होता तो नंबर ऑफ आयन से डिवाइड करते, और अगर सपोज करो कि ये एलिमेंट होता तो हम लोग वैलेंसी से डिवाइड करते, और अगर चार्ज होता किसी का आयन मोलर मास को डिवाइड करते एन फैक्टर तो चार्ज। यानी जब भी इक्विवेलेंट मास निकालना है तो मोलर मास को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, एन फैक्टर से, तब जाकर के फाइंड आउट हो जाएगा इक्विवेलेंट मास। और अगर इक्विवेलेंट मास निकालना आ गया तब हम लोग नॉर्मैलिटी का न्यूमेरिकल्स बना सकते हैं।
अब जैसे न्यूमेरिटी का एक न्यूमेरिकल होगा, न्यूमेरिटी का जैसे न्यूमेरिकल्स होगा, कैलकुलेट द न्यूमेरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1.96 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 200 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। हम क्या बताए थे कि न्यूमेरिकल बनाना है, तो हम लोग को ये सोचना है पहले गिवन क्या क्या है। गिवन है मास ऑफ H2SO4 कितना, तो लिख देते हैं मास ऑफ H2SO4 गिवन है, कितना गिवन है, तो 1.96 ग्राम। और अगर नॉर्मैलिटी निकालना है तो फर्स्ट फाइंड आउट देयर इक्विवेलेंट मास, जो भी सॉल्यूट है जैसे H2SO4 तो H2SO4। अब फिर इक्विवेलेंट मास के लिए क्या बताया गया, तो मोलर मास को डिवाइड करना होगा एम फैक्टर से, इट इज द नॉर्मैलिटी फैक्टर। अब ये एसिड है तो एसिड का एम फैक्टर क्या होगा, बेसिसिटी। अब जैसे आप बताया कि मोलर मास कितना है 98 H2SO4 का, एम फैक्टर कितना हो गया 2 डिवाइड करेंगे 49 ग्राम। और देखो वॉल्यूम दिया हुआ है कितना, तो 200 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशंस। जब हमको गिवन मास भी पता चल गया, इक्विवेलेंट मास भी पता चल गया, वॉल्यूम भी पता चल गया, अब दिक्कत क्या है, देयरफॉर Normality is equal to क्या फॉर्मूला था, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम। अब देखना है कि वॉल्यूम लीटर में है कि मिलीलीटर, तो दिखा हुआ यहां मिलीलीटर, यानी अगर ये मिलीलीटर होगा तो ऊपर फिक्स है एकदम थाउजेंड से मल्टीप्लाई। अब खाली वैल्यू पुट कर दो, जैसे देखो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया 1.96, मोलर मास कितना आ गया 49, और हम लोग के पास क्या दिया हुआ है वॉल्यूम कितना 200 × 1000। अब डिवाइड कर लेंगे, कैंसल हो जाएगा 5 बार, इसका डेसिमल हटाएंगे 100, 5 से ही कैंसिल किया 100 डिवाइड करते हैं, पहले इसको इससे पर डिवाइड करते हैं, देखते हैं होता है कि नहीं। अब ये 49 को 196 से डिवाइड करेंगे, ये 4 बार में कैंसिल। अब ये 5 को 100 से कैंसिल कर सकते हैं 20 बार, ये 4 भी कैंसिल हो जाएगा, कितने 5, यानी फाइनली कितना आ गया 1/5 जो होगा 0.2 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर या 0.2 n, दोनों में से कोई भी आंसर। यानी फर्स्ट हम लोग क्या चेक किए कि गिवन मास कितना दिया हुआ, तो 1.96 ग्राम H2SO4 एक सॉल्यूट। फिर अगर ये सॉल्यूट है तो यू कैन फाइंड द इक्विवेलेंट मास, क्योंकि नॉर्मैलिटी निकालने के लिए हमको इक्विवेलेंट मास चाहिए, तो हम लोग इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट निकालते हैं किससे, तो मोलर मास डिवाइडेड बाय एम फैक्टर से, जो कितना आ गया 49। और हम लोग के क्वेश्चन में ना वॉल्यूम ऑलरेडी पहले से दिया है, तो वॉल्यूम कितना है 200 मिलीलीटर का, 200 यहां पुट कर दे वॉल्यूम के लिए, आप सबको वैल्यू पुट करेंगे 1.96 डिवाइडेड बाय 49 200 और 1000 क्यों, क्योंकि मिलीलीटर में पूरा मार्केट कर लिए, तो आंसर कितना आ गया 0.2 ग्राम इक्विवेलेंट मोल, ये 0.2। तो इसी तरह से इसका न्यूमेरिकल्स हम लोग को बता रहा हूं, लाइक ना न्यूमेरिकल सेक्शन है जो कॉम्पिटिशंस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे हम लोग पढ़ते हैं मोलैरिटी में, वैसे ही नॉर्मैलिटी में भी होगा, जो पहला पार्ट होगा फोर डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। फिर डाइल्यूशन का मतलब बताए थे, जैसे हम किसी सॉल्यूशंस को पतला कर रहे हैं या गाढ़ा कर रहे हैं तो मोलैरिटी में क्या फर्क पड़ता है, वैसे ही हमको निकालना होगा नॉर्मैलिटी में क्या चेंज आएगा, जिसके लिए छोटा सा फॉर्मूला बताया था। वहां था मोलैरिटी से एम से इंडिकेट करते थे नॉर्मैलिटी, तो N1B1 इज इक्वल टू N2B2 इसी से बनता है। कब, इन केस ऑफ डाइल्यूशन, और डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है कि जब हम पहले से एक सॉल्यूशन बनाए 200 मिलीलीटर का, हम लोग क्या केस में और पानी मिला दिए, मान लो 400 मिलीलीटर, पहले इसका था नॉर्मैलिटी 12, अब जब पानी मिलाएंगे 400 मिलीलीटर तो नॉर्मैलिटी क्या हो, तो वैसे इस केस को हम लोग बोलते हैं डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन के टर्म में। और एक दूसरा पार्ट इसका होता है नॉर्मैलिटी ऑफ सॉल्यूशन फॉर्म बाय मिक्सिंग ऑफ
सॉल्यूशंस, मतलब अब दो या दो से अधिक सॉल्यूशन को मिला दे तब अगर हमको नॉर्मैलिटी निकालने बोलेगा तो कैसे निकालेंगे, जैसे मोलैरिटी में पढ़े थे, जो मोलैरिटी के लेक्चर वाले वीडियो में, उसी तरह से एकदम सेम जैसे N3V3 इज इक्वल टू N1V1 प्लस N2V2, और अगर N3 निकालना है, यू फाइंड N3 तो N1V1 प्लस N2V2 डिवाइडेड बाय V3, और ये V3 किसके बराबर होता है, जैसे 200 मिलीलीटर और 400 मिलीलीटर मिला है, यानी V1 प्लस V2 के बराबर होता है, यानी दोनों का जो वॉल्यूम ऐड करेंगे वो मेरा फाइनल वॉल्यूम आएगा, उसी से डिवाइड करना है तब जाकर के नॉर्मैलिटी का निकल जाएगा, वैसे ये डाइल्यूशन का निकल जाएगा फॉर्म। अब यहां पे मैं कॉम्पिटिशन में एक और पढ़ू, क्योंकि इसमें तो बहुत बड़ा लेक्चर बन सकता है, लेकिन प्रॉब्लम कहां पे आता है, जैसे अगर हम दो सिस्टम को मिक्स कर रहे हैं, जरूरी है दोनों सिस्टम सिर्फ एसिड होगा, और ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर एसिड है तो दोनों का एन फैक्टर सेम है, जैसे HCl हो सकता है HNO3, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है HCl के साथ अगर हम H2SO4 मिक्स कर रहे हैं, इसमें का 1H+ डोनेट होता है, इसमें का 2H+ डोनेट होता है, तो देयर इज ए प्रॉब्लम दैट कैन बी फेस, इसमें बहुत लंबा लेक्चर हो सकता है जो हम लोग आगे कभी बनाएंगे, लेकिन इसके टर्म्स में समझना है, अगर ये एसिड एसिड है तब हम ऐड कर सकते हैं, अगर ये एसिड और बेस होता दो सॉल्यूशन डिफरेंट डिफरेंट, मान लो एक एसिड होता और एक बेस, लेकिन अगर ये एसिड और बेस है तो हाउ कैन फाइंड आउट द न्यूट्रलाइजेशन, तब तो ये जैसे हम लोग मिक्स करेंगे न्यूट्रल हो जाएगा, और न्यूट्रल होने के बाद जिसका कंसेंट्रेशन बच जाएगा उसी का हम लोग स्ट्रेंथ निकालेंगे, नॉर्मैलिटी या होगा। अब जैसे सपोज करो कि 0.1 NaOH लिए और 0.14 HCl लिए, तो अगर हम इसको मिक्स करते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, NaOH प्लस HCl जो फॉर्म करता है NaCl प्लस H2O, यानी 1 मोल इसके 1 मोल को न्यूट्रलाइज करता है, यानी अगर हम 0.1 NaOH लिए तो सिर्फ हमको रिक्वायरमेंट कितना होगा 0.1 MHCl, इसका मतलब इसका कंसंट्रेशन लेफ्ट हो जाएगा, कितना लेफ्ट होगा 0.3, तो उसी 0.3 से हमको इसका स्ट्रेंथ निकालना पड़ेगा जो आगे हम लोग लेक्चर या वीडियो में। ना नॉर्मैलिटी के जैसे कॉम्पिटिशन में सेक्शन आता है फॉर्मैलिटी, ये भी एज सेम एज मोलैरिटी है, ये भी एकदम मोलैरिटी के जैसा, दोनों में कोई फर्क नहीं, बस फर्क क्या है, तो मोलैरिटी हम लोग हर चीज का निकाल सकते हैं, चाहे वो पोलर हो नॉन पोलर हो एवरीवन, लेकिन ये जो फॉर्मैलिटी है ना वो सब के लिए नहीं है, सिर्फ किसके लिए, तो आयनिक सॉलिड के लिए, इसके लिए आयनिक सॉलिड के लिए, मतलब फॉर्मैलिटी इज एज सेम एज मोलैरिटी बट ओनली फॉर द आयनिक सॉलिड, जैसे NaCl के लिए, MgCl2 के लिए, ये सब के लिए जो आयनिक सॉलिड, और है क्या फॉर्मैलिटी, एकदम सेम चीज है, इट इज द टोटल नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ आयनिक सॉलिड सॉल्यूट दैट प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस, मतलब ये सिर्फ आयनिक सॉलिड के लिए, जो इसका फॉर्मूला दिख रहा है जैसे NaCl है तो इसी का हमको मास कैलकुलेट करना है, जैसे सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5, यानी व्हाट इज फॉर्मैलिटी, तो इट इज द टोटल नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ आयनिक सॉलिड डिवाइडेड बाय पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी एक लीटर सॉल्यूशन में ऐसा कितना फॉर्मूला मास प्रेजेंट होगा उसको हम लोग बोलते हैं क्या फॉर्मैलिटी। सेम फॉर्मूला इसका भी आता है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम, अगर ये मिलीलीटर होगा तो 1000 होगा, बस ये जो मोलर मास लेना है वो फॉर्मूला से लेना है, जैसे NaCl है तो 23 प्लस 35.5 दैट डिवाइडेड बाय 58.5, जैसे MgCl2 है तो एक Mg का मास लेना है 24 और दो क्लोरीन का 35.5 इनटू 2,
दोनों को ऐड करके जो आएगा। यानी फॉर्मेलिटी कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, ना ही कुछ नया चीज है, बस ये सिर्फ किसके लिए हम लोग को पढ़ना होता है, आइनिक सॉल्वेंट। यानी जो मोलैरिटी होगा वही फॉर्मेलिटी, इसका भी यूनिट एकदम सेम मोलैरिटी, इसमें भी टेम्परेचर का इफेक्ट होगा क्योंकि वॉल्यूम से रिलेटेड। यानी जो चीज मोलैरिटी है वही चीज फॉर्मेलिटी होता है, बस सिर्फ किसके लिए हम लोग को पढ़ना होता है, वो आइनिक सॉल्वेंट। इट इज द टोटल नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ आइनिक सॉलिड सॉल्यूट दैट प्रेजेंट इन द पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और इसी टॉपिक को हम लोग क्या बोलते हैं, और फॉर्मेलिटी इज ऑल्सो इफेक्टेड बाई द टेम्परेचर बिकॉज इट डिपेंड अपॉन द वॉल्यूम। तब ये चीज ना हम लोग को समझना है कि टेम्परेचर किसको किसको इफेक्ट कर सकता है। मतलब अगर हम कंसंट्रेशन टॉपिक में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़े, यहां पे दो पार्ट होता है। एक पार्ट को बोलते कैन नॉट इफेक्ट बाय टेम्परेचर, और एक पार्ट को बोलेंगे इफेक्ट बाय टेम्परेचर। अब ये समझना है, जब हम कॉम्पिटिशन में जाएंगे तो उतना रटने नहीं, याद रखने की जो जो वॉल्यूम से रिलेटेड है वो सब टेम्परेचर से। जैसे पहला हम लोग पढ़े मोलैरिटी, ये टेम्परेचर से इफेक्टेड हो। जैसे नॉर्मैलिटी, ये टेम्परेचर से इफेक्टेड हो। जैसे फॉर्मैलिटी, ये टेम्परेचर से इफेक्टेड हो। जैसे वॉल्यूम परसेंट, और एक ना मास बाय वॉल्यूम परसेंट। ये तीन, ये इतना जितना टर्म्स हम लोग देख रहे हैं, मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी, फॉर्मैलिटी, वॉल्यूम परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, ये सब टेम्परेचर। लेकिन कैन नॉट इफेक्ट कौन होगा, जो डिपेंड ही नहीं करता है वॉल्यूम, जैसे मास परसेंट। जैसे हम लोग और क्या पढ़े थे, जैसे मोल फ्रैक्शन, जैसे मास फ्रैक्शन, जैसे मोलैलिटी, वो कभी टेम्परेचर से इफेक्ट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि किस पे डिपेंड करता है, मास। तो जो क्वांटिटी वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता है दैट कैन नॉट इफेक्ट बाय द, और जो क्वांटिटी वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा वो हमेशा टेम्परेचर से इफेक्टेड होगा, चाहे वो मोलैरिटी हो, चाहे नॉर्मैलिटी हो, चाहे फॉर्मैलिटी हो, चाहे वॉल्यूम परसेंट या मास हो। तो ये सेक्शंस याद रखने, डिवाइड करके दो पार्ट में, कैन नॉट इफेक्ट बाय टेम्परेचर और इफेक्ट बाय टेम्परेचर। जो वॉल्यूम से रिलेटेड नहीं होगा वो टेम्परेचर से कभी इफेक्ट नहीं होगा, जो वॉल्यूम से रिलेटेड होगा वो हमेशा टेम्परेचर से। बच्चों आज का वीडियो लेक्चर हम लोग यहीं पे एंड करने वाले हैं, और आप लोग सब जितना भी क्वेश्चंस भेजे हैं पीडीएफ के फॉर्मेट में, आप उसको डाउनलोड करिए और अच्छे से सबको बनाइए। और जो जो ज्वाइन करना है वो ग्रैंड ट्यूटोरियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके भी देख सकते हैं, उसमें सारा चीज है। आप किसी में क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, क्वेरीज भी कर सकते हैं, और हम लोग ना सब चीज उसमें फैसिलिटीज है कि वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं, और साथ में क्या है तो पीडीएफ स्टडी मटेरियल्स में आपके पीडीएफ फाइल भी मांग रहे थे। हम लोग ना अभी दूरियों से दूर है, हम लोग अभी दूरियों से दूर है, पर हमको भरोसा है कि हम आपके दिल के बहुत करीब। इसलिए हम ये लेक्चर अब भेंट कर रहे हैं। आपको कोई भी क्वेरीज हो आप या तो फोन नंबर पे फोन कर सकते हैं मेरे, या तो व्हाट्सअप कर सकते हैं, या ग्रैंड ट्यूटोरियल एप्स में भी मैसेज इनबॉक्स है, उसमें पूछ सकते हैं मैसेज। जो मेरा क्वेरीज नंबर होगा वो